ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं के निदान के लिए सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन लाल सिंह ने ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि सीएनजी ऑटो रिक्शा चालकों के संसाधनों में गैस का रेट लगभग डेढ़ गुना बढ़ चुका है और महंगाई भी बढ़ गई है तथा कोरोना काल में आय पर विपरीत असर पड़ा है, इसलिए लगभग दो गुना किराया बढ़ाया जाना आवश्यक है। मुरादाबाद महानगर में परमिट प्राप्त ऑटो रिक्शा से तीन गुने से अधिक अवैध रूप से ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जिससे कि परमिट प्राप्त ऑटो रिक्शा के चालकों को रोजी रोटी की समस्या हो गई है। इसलिए अवैध वाहनों पर रोक लगाकर वैध वाहनों का संचालन ठीक प्रकार निर्धारित किया जाए। ऑटो रिक्शा परमिट की नवीनीकरण आयु 5 वर्ष निर्धारित है, किंतु आरटीओ मुरादाबाद द्वारा उसके अतिरिक्त 2 वर्ष में नवीनीकरण न करने पर रोक लगा दी है, जिसे तत्काल बहाल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में किशन लाल सिंह, राकेश कुमार, सुरेंद्र रावत, विनोद कुमार, अमित सैनी, बबलू, मुकेश, विनोद आदि लोग मौजूद रहे। आज ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। कोरोना काल में और उससे पहले लगभग 2 वर्षों से ऑटो रिक्शा संचालन में जो त्रुटियाँ आ गई हैं और महानगर मुरादाबाद में अवैध रूप से जो वाहन चल रहे हैं उनके विरोध में हम लोग आए हैं, क्योंकि इस बीच में जो कांच के परमिट हैं, कटे हुए ऑटो रिक्शा हैं और ई रिक्शा हैं, वो अवैध रूप से मुरादाबाद महानगर में चल रहे हैं। सभी ऑटो चालकों को जो वैध परमिट धारक हैं उनको शिकायत है और इस शिकायत को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर समस्या हम गत कराएंगे। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग ये है कि एक तो अवैध वाहनों को बाहर कराएं, जो कांट के केंद्र के रामपुर मुरादाबाद क्या नाम है अमरोहा धनौरा ये अवैध रूप से इसमें मुरादाबाद में चल रहे हैं, इनको बाहर किया जाए। और एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि ऑटो रिक्शा परमिट की जो आयु 5 वर्ष है लेकिन 2 वर्ष पर रिन्यूअल पर जाकर उसके रोक लगा दी है, वो महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें मृतक आश्रित और जो बीमार हो जाते हैं अगर वो नहीं करा पाए तो उनका परमिट समाप्त हो जाता है। परमिट 2010 से खुले नहीं है, 11 वर्ष के बीच में कोई परमिट मुरादाबाद सिटी का नहीं खुला है, क्योंकि बहुत कम संख्या है, 1600 कुछ परमिट हैं हमारे, उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है और अवैध वाहन चालकों को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय परमिट की वैधता 2 वर्ष से 5 वर्ष करना चाहते हैं। परमिट की वैधता 5 वर्ष है, अगर वो नवीनीकरण नहीं हुआ किसी प्रकार से, ऑटो चालक बीमार हो गया या उसके परिवार में मृत्यु हो जाती है और वो 2 वर्ष तक नवीनीकरण नहीं करा पाया तो उसको ये समाप्त परिवहन विभाग ने आरटीओ की बैठक में समाप्त करने का ठान लिया है, तो वो रोक हटाई जाए और दंड शुल दे करके उसका नवीनीकरण करा दिया जाए, क्योंकि मृतक के परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय पर नहीं हो पाती। कई समस्याएँ ये भी आई हैं कि उनके जो बारिशान हैं वो आवेदन करके और आरटीओ के और कलेक्ट्रेट के थक्के खा रहे हैं लेकिन उनके नाम वो परमिट नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। उनका परिवार बेरोजगार हो जाता है, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है।